तकलीफ जो थी, तो आप सोच रहे हो मैं इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ। मैं बैठी हूँ रूम के बिल्कुल बाहर और उनको आवाज़ जा रही होगी, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ। और कल है 18 अक्टूबर, अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और उनका बर्थडे आज अहोई अष्टमी है। सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अहोई अष्टमी। तो अभी मैं चलिए पीछे से धक्का मार दें। अच्छा तो अभी मैंने ना कुलदीप से केक मंगा लिया है और रात को 12 बजे हम इनका केक कट करेंगे। और कल मैं तो ऑफिस जाऊंगी और ये अपना घर पे ऑफ मनाएंगे, सब दोस्तों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फिर जब मैं आ जाऊँगी हम लोग शाम को सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी मैं आपको केक दिखाती हूँ, केक मैंने वैसे फ्रिज में रख दिया, बाहर से दिखाऊंगी। फिर जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब मैं आपको मंगवाऊँगी, ठीक है? उनको लग रहा है कि कुछ नहीं पता, बस वो मैंने कुलदीप को भेज कर मंगवा लिया था केक। इनको ऐसा लग गया कि इनका हम बर्थडे शायद सेलिब्रेट करने वाले हैं। मेरा तो गंदा सा कच्चा भी दिख रहा है इधर वाला। रात को 11 बज के कितना हो रहा है, 37। मुझे ऐसा लग रहा है कि ना मैं सबके केक काटता हूँ, कोई तो मेरा केक काटेगा, कोई तो होगा जो मेरे लिए भी केक लाएगा। ओ गरीब, तो इसलिए आप कपड़े पहन रहे हो पहले। मैं गरीब हूँ। अगर किसी ने नहीं काटा केक फिर तो कपड़े पहन के सो जाऊंगा, सर्दी होने वाली है, क्या दिक्कत है? सर्दी तो हो ही रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो पहन लो ना। तो पहनने लायक लाइट तो बंद करो, कैमरा तो बंद करो। तो अभी थोड़ी देर पंखा बंद करते हैं। पंखा यार ये एक तो ना इसमें व्लॉग बनाते तो पंखे की आवाज आती है, लेकिन कोई बात नहीं, नॉइस फ्री। अभी हम हाँ नॉइस फ्री आता है, अभी केक कटिंग करते हैं फिर दिखाते हैं। बर्थडे बॉय कुछ कहना चाह रहे हैं। अब मैं ना ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पेटेंट करूंगा, पेटेंट ना, अब मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है कि तुम मेरे लिए केक विक लाए हो, है ना? तो लाए कहा है? नहीं लाए? नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसे बिहेव करूंगा, मतलब हाँ। मैं ऐसे प्रेटेंड, प्रेटेंड ना, प्रेटेंड, प्रेटेंड, हाँ। मतलब अगर मैंने गलत अंग्रेजी बोली हो तो माफ करना, ठीक है? लेकिन मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि ना जैसे मुझे मेरे लिए तुम केक ही नहीं लाए, तो तुम कमरे में आओगे ना, व्हाट अ सरप्राइज। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ऐसे ऐसे करूंगा, व्हाट अ सरप्राइज। तो हम कहेंगे आपने कपड़े क्यों पहन लिए पहले, तो इसलिए ही पहन लिए ना कि कभी ऐसा ना हो कि व्हाट अ सरप्राइज एडिटिंग के बाद में मैं ही करूंगा ना। अच्छा, तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि जैसे तुम लोग केक लाए हो, नहीं केक लाए हो, है ना, मुझे पता ही नहीं था, आप सरप्राइज हो गए एकदम, मतलब ओए व्हाट अ सरप्राइज, वाओ, अच्छा व्हाट अ सरप्राइज। फिर मैं बाद में अपना अकाउंट चेक करूंगा एज एक्टिंग, यस, कितने बदतमीज। फिर मैं अकाउंट चेक करूंगा कि इस सरप्राइज को कितनी गड़बड़ी हुई है, तो वो बात की बात है, है ना? तो फाइनली सरप्राइज है ना, है तो नहीं, नहीं है, कोई बात, सो जाओ, सोना ही है। लेकिन कल शायद मैं छुट्टी पे भी रहूंगा, इसी वजह से कल मैं देखता हूँ कौन कितने लोग मुझे सरप्राइज देते हैं, हालांकि मुझे ज्यादा उम्मीद रहती नहीं है। इमेजिन अगर इन्होंने छुट्टी कर ली और इनको एक भी फ्रेंड ने विश भी नहीं किया और सरप्राइज भी नहीं दिया, फिर इनका क्या मुंह रह जाएगा, क्या मुंह रह जाएगा आपका? वही मुंह रह जाएगा जो मंजूर है, खुदा मुंह रह जाएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मंजूर है, मंजूर है खुदा। अच्छा मंजूर है खुदा, मंजूर है खुदा, मुंह रह जाएगा जो। तो चलो 12 बजने वाले, तू ना ऐसे बिहेव कर, मैं ऐसे बिहेव करूंगा कि मेरे को कुछ नहीं पता, तू लाइट वेट सो जाओ, फिर मैं लाइट वेट बंद कर दे और मैं, है ना, ऐसे करूंगा, वाओ। और इस बारे में तू बताइयो मत, जो भी खास आ रहे प्यारे भी आ रहे होंगे ना, उनको मैं करूंगा वाओ, व्हाट अ सरप्राइज। अच्छा ठीक है, पूरी एक्टिंग करोगे मतलब? ऐसे करूंगा बिल्कुल, अरे वाओ, मतलब यार कपड़े वपड़े तो पहन लेते, मुंह तो धो लेते थे, लेकिन मैं पहले मुंह धो के लेटूंगा। नहीं मुंह मत, नहीं नहीं ठीक है, ऐसे लेट जाऊंगा, लेकिन मैं सोचा था कि मुंह धो के भी लेटू, कोई बात नहीं, चलो। तो डेकोरेशन के लिए अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मंदिर में रखे थे थोड़े से फूल, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर टेबल पे ना फूल फूल कर देते। तो फूल मैंने डाल दिए और ये और ये और यहाँ ये बैठ जाएंगे। अभी मैं इन लोगों का वेट कर रही हूँ, मैंने इनको मोंटू को, विशाल को और अनिल को बोला था, और हमारे कुलदीप भी गायब है, 3 मिनट रह रहे हैं इनका बर्थडे स्टार्ट होने में और अभी तक कोई आया नहीं। मेरे को गुस्सा आ रही है बहुत जोर की, गलत बात, वीडियो देखोगे जब तो बहुत गलत बात।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। तो इनका बर्थडे स्टार्ट होगा 12 बजे। थैंक यू। इतना बुरा मुंह क्यों बना रहे हो? धन्यवाद। शट अप। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कितने बदतमीज है। इतना धन्यवाद कितने। तो भाई अभी तक कोई आया नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और 12 बज गए, मैंने उनको बर्थडे भी विश कर दिया है और अब मैं केक, मुझे लग रहा है मुझे अकेले ही काटना पड़ेगा। धन्यवाद है, धन्यवाद है। तो गाइस आज मेरा बर्थडे है, आज मैं बहुत खुश हूँ। और आज मैं कितने साल का हो गया किसी को नहीं बताऊंगा। मैं बताऊंगी अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। तो यहाँ रख रखा था मैंने टेबल के नीचे केक, बत्रा, बत्रा का केक है ये। बत्रा जैसे डॉक्टर बत्रा नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, उन्होंने केक की दुकान भी खोली। हम बाबू यहाँ हम फूल बिछाए हैं, यहाँ बहुत सही लगता है बाबू, हम आपके लिए यहाँ फूल बिछाए हैं। मैसे जाने शुरू हो गए हैं। तो ये केक हमें लगाते हैं, पकड़ो जरा इसको एक बार। मैसे जा रहे हैं, मैसे इसको पकड़ो प्लीज। देखते कैसा केक है। मम्मी आगे मेकअप करके पहले कर रहा था। अच्छा मम्मी बताया, हम सोच रहे मम्मी सरप्राइज देंगे, मम्मी पहले बताया। एक कंची वाला केक मंगाया हो। कंचे नहीं खाओगे आप? यार ये बंदे ना जो लेट आते हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आती है फिर इनको। आएंगे थोड़े अभी और काट। अरे अरे वाह दीप ज्योति, ये आपने क्या कर दियोगे? आप क्या कर दिए हैं ऐसे? अब तुमको ना थोड़ा बिहार भेजना पड़ेगा, ट्रेनिंग दे ट्रेनिंग देने के लिए बिहार भेजना पड़ेगा तुमको। केक खिसक गया थोड़ा सा। नहीं हाँ केक खिसक गया, खिसक गया। बाकी इस पे लिखा हुआ है भाई दीप ज्योति। और ये रहा बर्थडे का अभी तो हैप्पी बर्थडे। दोपहर के 12 बजे तो यार जन्म लिया। अभी 12 घंटे हैं पूरे। दोपहर के 12 बजे पैदा हुए थे। कौन से दोपहर को 12 बजे? 17 तारीख को। 18 तारीख। 18 तारीख को दिवाली। तुझे कैसे पता? तू भी वही बता रही। अच्छा मैं लगा तू भी वही हो कभी। मैंने रात को लिया था। हाँ 11:30 11:30 है सही है। दिन कौन सा था? दिवाली। अरे 18 अक्टूबर बृहस्पतिवार का दिन। मेरा भी बृहस्पत। हाँ हाथ में लो। और 18 अक्टूबर उस दिन दिवाली थी जिस दिन। आप कितने साल के हो गए? 52 साल के। जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन 18 अक्टूबर 48 साल 18 अक्टूबर सन 1995 में दिवाली थी। सही कहा 95 95 का तो मेरा व्रत है। व्रत है आपका तो ये इतने व्रत रख रही है। बस दो जलाते, तीन खराब हो जाएंगे। ये पांच जला दूं? ना ना दो ही काफी है यार। तो भाई 18 अक्टूबर को उस दिन दिवाली थी जिस दिन मैं पैदा हुआ। तो घर वालों को कोई नाम सूझे नहीं तो मेरा नाम दीपक रख दिया कि भैया ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ नाम सोचने में, सीधा नाम रख दो दीपक, क्योंकि दिवाली वाले दिन पैदा हुआ है। सही लॉजिक है। तो आप कौन से दिन पैदा हो गए जो आपका नाम ज्योति का रख दिया? बृहस्पत को पैदा हुई थी, कुछ भी नहीं था उस दिन। तो फिर ऐसे ज्योति रख दिया, दादी ने रख दिया। मैं माचिस लाई थी ना, देखो जेब में पड़ी हो, जेब में पड़ी हो मंडल के साथ। नहीं मंडल नहीं पी रही। मंडल कहाँ रख दिया? आजकल पीना बंद कर रखा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाल दिखो, स्किन बाल दिखो। ये इनके बाल कैरियर में कटवा ले। मम्मी कह रही है बाल कटे हैं क्या? ये कटे तो हुए हैं, देखना नहीं साइड से कटवा रहे हैं। मैं ये तो देख रही हूँ साइड से। देखा नहीं ऊपर क्या बगीचा सा खड़ा है। अरे मम्मी बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। नए तरीके की आप तो पहले मुझे लगा मूड खराब करते देखो। Happy birthday to you, happy birthday dear Deepak, happy birthday to you। हमारी तालियों की आवाज नहीं आई। तो अभी केक कटिंग कर रहे हैं।
अरे क्या बच गया? पीपी बच गई। इस वजह से ये जान बुझ के मम्मी इसके बाल में देख के हो रही है। हाजी तो कह रही मैं कटवाई ये बाल ने कैमरा में भी इतने बड़े नजर आ रहा तो आया मम्मी तो खामा खा कर रही है। इसके बालों के सिनेमैटिक व्यू बना लेते हैं। इनको केक इतना अच्छा लग गया कि सारा केक निपटा दिया और बंदों को ने छोड़ा ही नहीं। देखो नाम मेरा लगा रही खींची जा रही अकेली। अरे शर्म कर भगवान से डर भगवान से डर। अच्छा एक बात बताओ जैसे केक वेक कट जाता है उसके बाद कुछ गिफ्ट विफ्ट देने का भी रिवाज होता है? गिफ्ट चाहिए था आपको? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कुछ है प्लान? कुछ प्लान है? जब बीवी करवा चौथ पे व्रत रखते है तो कुछ देने का रिवाज होता है? दिया ना। क्या दिया? 500 रूपए। कितने झूठे आदमी हो। नहीं दिए मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाकर। फिलहाल तो मैंने केक खा लिया बहुत ज्यादा तो मैं तो अभी कसम खाऊं। आपने कुटी कोड़े नहीं दिए तो इसका मतलब कोई कम कम नहीं। कम कम तो कुछ ऐसा है कि सरप्राइज सरप्राइज के भाई गिफ्ट का कुछ नहीं है? हम भी गरीब और तुम भी गरीब दोनों मियां बीवी गरीब दोनों इक्विवेलेंट। हां ताली दे फिर इसी बात पे। बहुत बढ़िया दोनों ताली यहां पे दूं? ले 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 तो तू भी करी मैं भी करूँ ठीक है कल देखते हैं। तो भाई अभी तो फाइनली अब कुछ प्लान नहीं है ना अब बस मैं तो कल ऑफिस जाऊंगी छुट्टी पर। मैं छुट्टी करूंगा यार मैं छुट्टी करूँ और ये ऑफिस जाएगी शाम को मिलेगी। तो चलो भाई अब रेस्ट करते हैं।